मोदी कैबिनेट विस्तार में सिंधिया को शामिल किए जाने पर कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह कांग्रेस की जलन है, कांग्रेस को बरनौल भेज रहा हूं, उसी से उनका दर्द ठीक होगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया वाले बयान को लेकर कहा कि ये वो व्यक्ति कह रहा है जो इमरजेंसी की टीम में शामिल था। मीडिया का दमन भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने किया है। इमरजेंसी लगाकर मीडिया हाउस बंद करवाए गए थे। ये वे कमलनाथ हैं जिन्होंने कई मीडिया के साथियों के चूल्हे बंद करवा दिए थे। कमलनाथ ने पत्रकार बंधुओं के वैधानिक हित के अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो भी नहीं दिए थे। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय बाटला हाउस आतंकवादी ओसामा जी के ठेकेदार थे, ये हमारी श्रद्धा के ऊपर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। वही सत्यनारायण की कथा फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि आपत्ति के बाद नाम बदला गया है, लेकिन हम फिर भी फिल्म के हर एंगल पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा, गुनाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वो ओबीसी तो इनके साथ यूपीए में था, एक आध बार तभी पूछ लेते, लेकिन जब इनके हित पूरे हो रहे होते हैं तब सब ठीक रहता है। जैसे ही इनके हित, और यही कारण है कि भोपाल की हार समझना चाहिए, छोटी हार नहीं थी। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो इमरजेंसी की टीम में शामिल था, जिसने मीडिया हाउसों पर ताले लगवाए थे। ये वो कमलनाथ जी हैं जिनके 15 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में हमारे कई पत्रकारों का इन्होंने चूल्हा जलना मुश्किल कर दिया था। ऐसे कमलनाथ जी जो वैधानिक रूप से उन्हें जो उनके हित होना चाहिए थे पूरे वो नहीं किए थे, वो मीडिया की बात करते। वो कमलनाथ जी जिनने 10 दिन में 2 लाख का कर्जे की माफ कही थी, वो किसानों की बात करने लगते। वो कमलनाथ जी जिनने 4,000 रुपये महीने नौजवानों को देने की बात कही थी, वो नौजवान की बात, हित की बात करने लगते। समझ क्या रहे हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को? काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है कमलनाथ जी। और ये लादेन जी, ओबामा जी बटाला हाउस के ठेकेदार थे जो कह रहे हैं, वो बटाला हाउस वाले व्यक्ति कह रहे हैं। हमारी श्रद्धा के केंद्र पे उंगली उठाना, हमारी आस्थाओं के केंद्र कभी कुंभ के ऊपर उंगली उठाना। मैंने कहा था कि सॉफ्ट टारगेट जो हमारी देवी देवताओं को बनाते हैं, हमारी आस्था के केंद्र को बनाते हैं। मुझे ज्ञापन भी दिया था हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने, मैंने डीजीपी को निर्देश कल आपके सामने दिया था, लेकिन उसके पहले ही डीजीपी ने मुझे बताया कि उन्होंने उसका नाम बदल दिया है, सत्यनारायण कथा का, सत्यनारायण की कथा का। ठीक है, उनने बदल दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस फिल्म के सभी पहलुओं का अध्ययन कराएंगे। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस सिंधिया जी को गद्दार कहती है क्योंकि उससे जलन होती है, इसलिए वे एक बरनाल कांग्रेस को भेजेंगे। तो सिंधिया जी को गद्दार तो पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता कहती है। नरोत्तम मिश्रा जी, किस किस को बरनाल भेजेंगे आप? हमें कोई सिंधिया जी से जलन नहीं होती, उन्होंने गद्दारी की है, जो तो खुद इतिहास बताते हैं कि किस प्रकार पहले गद्दारी हुई, बाद में गद्दारी हुई, अब गद्दारी हुई, तो सबके सामने। और उस गद्दारी की डील की आज आखिरी किस्त, आखिरी इंस्टॉलमेंट भी पूरी होने जा रही है। और जहां तक बरनाल भेजने की बात है, तो हम नरोत्तम मिश्रा जी आपको बरनाल का पूरा कार्टून भेजेंगे, क्योंकि एक बरनाल से आपका काम चलने वाला नहीं। क्योंकि जब तक शिवराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब आपको रोज जलन होती है, रोज ऐसे हालत पैदा होते हैं कि आपको बरनाल की जरूरत होती है। अभी अब इंदौर के प्रभारी मंत्री बनाए गए, आपके दौरे के 3 दिन पूर्व शिवराज जी इंदौर जाकर पूरी दुकान लूट गए, आपको बुलाया तक नहीं, निमंत्रण तक नहीं दिया, इंदौर में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, तो आपको बरनाल की जरूरत महसूस हो ही रही होगी। दूसरी बात, यदि बात करें तो कैबिनेट की बैठक के अंदर किस प्रकार नर्मदा परियोजना के टेंडर को लेकर आपके विरोध के बावजूद उसे स्वीकृति दी गई नियमों के विपरीत, और आपने बीजेपी कार्यालय से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई, तो आपकी जलन सभी ने देखी, तो उसके लिए भी आपको बरनाल की आवश्यकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।